देश के प्रधानमंत्री जी ने आज गुजरात में मेट्रो रेल का एक छोटा सा पोर्शन का लोकार्पण किया। मैं सवाल पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, 2003 में गुजरात इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड ने यह प्रोजेक्ट बनाया था, 2005 में कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार में आपने जून 2005 में यह प्रोजेक्ट मंजूरी के लिए दिया, सिर्फ कुछ ही हफ्तों में उसी साल में कांग्रेस की सरकार ने आपको मंजूरी दे दी थी। 2005 से 2024 माने 19 साल, फिर भी पूरा प्रोजेक्ट तो पूरा नहीं हुआ है, एक छोटा सा पोर्शन आप लोकार्पण कर रहे हो, 19 साल क्यों लगे? मेरा दूसरा सवाल है कि आपने इस प्रोजेक्ट में जो काम शुरू किया तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग ने अपने रिपोर्ट में कहा कि करोड़ों का भ्रष्टाचार हो रहा है, जहां पे मिट्टी डाली गई ऐसा बताया गया है, वो जो नंबर्स दिए गए हैं वो ट्रक की जगह पे स्कूटर और ऑटो रिक्शा के नंबर्स निकले, और कैग ने ये सारा मामला जब उजागर किया तब आपने जाके एक उसी मेट्रो रेल के चेयरमैन संजय गुप्ता के खिलाफ केस करना पड़ा और उसको आपने जेल में डाला। अब ये संजय गुप्ता वही है जो अदानी की कंपनी में चीफ एग्जीक्यूटिव थे, आपने उसको चेयरमैन बनाया था। क्यों? गुजरात में कोई अच्छे अफसर नहीं थे क्या? क्यों आपने इसको वहां बनाया और बाद में आपने उनको जेल में डाला? लोग कह रहे थे उसी वक्त पे कि इसको बलि का बकरा बनाया है। जेल में उस संजय गुप्ता को कुछ ऐसी बीमारियां हो गई कि वो मौत के मुंह तक गए और हेल्थ ग्राउंड पे उसको बेल मिला और तुरंत वो चल बसे। लोग ये भी कहते हैं कि जेल में डाला, कुछ ऐसा किया कि वो चले गए ताकि असली पैसे खाने वाले लोगों का नाम ही बाहर ना आए। ऐसी लोगों में चर्चा थी तो आपने उसी वक्त इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन इसका क्यों नहीं करवाया? मैं आपको एक और बात करना चाहता हूं, जयपुर में राजस्थान में मेट्रो के लिए गुजरात के अहमदाबाद के काफी सालों के बाद मंजूरी मिली, अशोक गहलोत जी की सरकार थी, सिर्फ 3 साल और 8 महीने के अंदर मंजूरी मिलने के बाद जयपुर की मेट्रो रेल का फर्स्ट ए फेज लोगों को समर्पित कर दिया था, वहां मेट्रो दौड़ने लगी थी। आपको मोदी जी 19 साल क्यों लगे आपको जनता को जरूर बताना चाहिए। 2016 में 31 मार्च 2016 कैग का रिपोर्ट असेंबली में सबमिट हुआ, और जब असेंबली में ये रिपोर्ट सबमिट हुआ तो उस रिपोर्ट में लिखा कि आपने मेट्रो रेल में डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट डीआरपी मंजूर नहीं हुआ था और कॉन्ट्रैक्ट्स दे दिए, और उसी के चलते इंद्रोड़ा और चिलोड़ा के स्टेशनों पे 373.62 करोड़ अपने कॉन्ट्रैक्टर्स को दे दिए, और बाद में डीआरपी मंजूर हुआ तो पूरा अलाइनमेंट चेंज हो गया, वो रास्ता ही बदल गया। माने कैग ने लिखा कि 373.62 करोड़ गए पानी में, कौन है इसके लिए जिम्मेवार? प्रधानमंत्री जी आपसे उम्मीद है कि आप इसका जवाब देंगे। आप जब गुजरात में हो तो बारिश से जो प्रभावित क्षेत्र है वहां का थोड़ा दौरा कीजिए, मैं आपसे अनुरोध करता हूं। आप जाइए कच्छ के उस लखपत में जहां किसी एक वायरस के चलते लोग टपाटप मर रहे हैं, वहां पे कल एक दलित की और युवा बेटी मर गई, अभी तक 19-20 का आंकड़ा पहुंच चुका है। आप जाइए और देखिए, गुजरात के अहमदाबाद में एक 40 करोड़ का ब्रिज बना, अब जिसको तोड़ने के लिए 52 करोड़ का आपकी सरकार खर्च कर रही है, ये भ्रष्टाचार है। और फिर आपके मंत्री लोग जवाब देते हैं कि हम उस एजेंसी से वसूल कर लेंगे, क्या वसूल हो पाएगा ये? अरे जब 40 करोड़ का ब्रिज बन रहा था तब आपने क्यों गलत काम होने दिया, क्यों उसमें भ्रष्टाचार किया, तभी रोक लेते। सवाल तो है मोदी जी, आप हो गुजरात में, गुजरात के हो, जवाब देने की कृपा करें, यही मैं आपसे एक जिम्मेवार ऑपोजिशन के तौर पे गुजारिश करता हूं।